भगवान विष्णु की जय हो। त्राहिमाम त्राहिमाम भगवान, हमारा अमृत राहु लेकर भाग गया है। वो अमृत राहु राक्षसों को पिला देगा और वे अमर हो जाएंगे। वो अमृत हम देवताओं को दिलवाइए भगवान, उस पर हमारा अधिकार है। प्रभु न्याय कीजिए प्रभु, अमृत हम देवताओं को दिलवाइए। इंद्रदेव, देवगणों, आपके साथ हुए अन्याय का हम परिमार्जन करेंगे। अमृत पर देवताओं का अधिकार है और वो उन्हीं को मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। परंतु वो अमृत कब मिलेगा, कैसे? मेरे बेन अमृत भरे,
जाने दो। अमृत पियोगे? आप तो राक्षस सेनापति राहु हैं, ये उतावलापन आपको शोभा नहीं देता। परंतु तुम कौन हो सुंदरी, और अमृत का कलश तुमने मेरे हाथों से क्यों लिया है? इतना भी नहीं समझते राहु महाराज, अमृत पीने पिलाने के लिए होता है, लेकर इधर उधर भागने के लिए नहीं। ये अमृत हमारा है, इस अमृत पर हमारा अधिकार है। अमृत हमें चाहिए। नहीं, इस पर हमारा अधिकार है। अमृत आप सबको मिलेगा, जिन भगवान शिव ने विष का घड़ा पीकर आप सबको मरने से बचाया, उन्हीं शिव शंकर भगवान ने ये अमृत मुझे आप लोगों को पिलाने के लिए भेजा है। मुझे देखिए, मेरी आंखों में छलकते प्रेम को निहारिए। आप बताइए, क्या मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर सकती हूँ? नहीं। तो मेरी बिनती मानिए, आप दोनों पक्ष अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए। यानी दानव एक पंक्ति में और देवता दूसरी पंक्ति में। यदि ऐसा है सुंदरी, तो पहले अमृत हमें पिलाइए। नहीं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अमृत की एक बूंद भी समुद्र के समान होती है। इतना बड़ा अमृत कलश है, एक एक घूंट तो सभी को मिलेगा ही। ठीक है, असुरो तुम पंक्ति लगाकर एक तरफ बैठ जाओ। देवताओं आप भी एक पंक्ति में बैठ जाइए। राहु सावधान हो जाओ, पता नहीं ये सुंदरी कौन है, परंतु जब हमने इसकी बात स्वीकार कर ही ली है तो अब छीना झपटी करना ठीक नहीं। तुम चुपचाप देवताओं का भेष बनाकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठो और पहले अमृत पालो। हाँ, धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये देवता नहीं राक्षस है। हमने धोखे का उत्तर धोखे से दिया है। ये मोहिनी देवताओं का पक्षपात कर रही थी। अगर मैं देवताओं की पंक्ति में ना बैठता तो सारे राक्षस अमृत से वंचित रह जाते। राहु को उसकी करने का दंड मिलना चाहिए। हेन्द्र, अब मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असुरों को धोखे का परिणाम भुगतना ही होगा। देवताओं, ये अमृत अब तुम्हारा है, परंतु राहु को उसकी करने का दंड अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगा। असुरों के शत्रु विष्णु, तुमने मोहिनी बनकर असुरों के साथ विश्वासघात किया है, परंतु ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र भी मुझे मार नहीं सका, क्योंकि मैं अमृत पीकर अब अमर हो चुका हूं। विष्णु, मेरा सर कट गया तो क्या, लेकिन धड़ केतु बनकर जीवित रहेगा। असुर देवताओं को कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये सूर्यचंद्र
सूर्य चंद्र ने मुझ पर उंगली उठाई है। समय समय पर मैं इनको ग्रसता रहूंगा। विष्णु, मेरे ही कारण सूर्य ग्रहण और मेरे ही कारण चंद्र ग्रहण होंगे। उस दिन मैं इन दोनों का सारा तेज छीन लूंगा। राहिमा, जय गुरुदेव। हमें ज्ञात है कि किस उद्देश्य से तुम यहां आए हो वत्स। क्या मंथन से पहले हमसे मंत्रणा की थी? क्या वैद्यराज बलि ने हमारे आदेश की अवहेलना नहीं की वत्स? हमारे आदेश की अवहेलना का अवश्यंभावी परिणाम तुम्हारे सामने है वत्स। हमें ज्ञात है कि राहु का शिरच्छेद हो चुका है। हमें यह भी ज्ञात है कि देवताओं ने छल से अमृत पान कर लिया है। क्या तुम्हारा अमृत पर अधिकार नहीं था? फिर किसकी आज्ञा से, किसके परामर्श से यह बंटवारा हुआ? तुम्हारा भी अमृत पर समान अधिकार था। विष्णु ने पुनः कुटिलता पूर्वक मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के साथ छल किया है, अन्याय किया है। विष्णु का यह कुकर्म कदापि क्षमा योग्य नहीं है। शुक्राचार्य की कपट नीति इसका समुचित उत्तर देगी। देवों ने हमारे संगठन को चुनौती दी है। क्या आसुरी सेना अशक्त हो चुकी है? क्या देव अपनी पराजय भूलकर मदांध हो गए हैं? बोलो, मुझे इन प्रश्नों का समुचित उत्तर चाहिए। शम, इस समस्या को हल करने के लिए आपका परामर्श और आज्ञा अनिवार्य है गुरुदेव। हमारा मार्गदर्शन करें पूज्यवर। जिसने असुरों से छल किया है, जिसने हमारे पौरुष को ललकारा है, जिसने दैत्य गुरु आचार्य शुक्राचार्य का अपमान किया है, उसे उसके अपराध का कठोरतम दंड दिया जाए। युद्ध का आमंत्रण हो, संगठित होकर देवों का विनाश करो। शुक्राचार्य की नीति से देवों के गुरु बृहस्पति भी नतमस्तक हो चुके हैं। विष्णु यदि कपट नीति में सिद्ध हस्त हैं और देवों को संरक्षण दे सकते हैं, यह मानना तो भारी भूल है। आचार्य शुक्राचार्य इस कपट नीति को खंड खंड करने में समर्थ है। परंतु गुरुदेव, देवगण अमृत पान करके अमर हो गए हैं। नहीं, हमारे नागास्त्र उस अमृत को महाविष बना देंगे। कालनेमी ने भी तो तब से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है और भी अनेक अनेक युद्ध रुद्र से वरदान रूप में प्राप्त किए हैं। इन प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रहार विष्णु भी झेल नहीं पाएगा। सुरपुर में प्रलय मचा दो, खंडित कर दो इंद्रासन, छीन लो उनसे शची। पक्षपात और अन्याय से प्राप्त की हुई संपदा रौंद डालो। तीनों लोकों में हमारा साम्राज्य होगा, आसुरी संस्कृति का रक्षण होगा। मायावी युद्ध लड़ना है और विजयश्री लेनी है। शंभ, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तुम अपने दल के साथ सुमाली से मिलो। माली और माल्यवान को रक्षण दो। वे अज्ञातवास में है। अस्त्र नदी के किनारे गहन गुफाओं में उन्होंने आश्रय ले रखा है। उन्हें निर्भय करके सैन्य संचालन में उनकी सहायता लो। जाओ, निर्भय होकर जाओ शंभ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
इनहेति बाया के वंश में इनका बेटा विद्युतकेश, विद्युतकेश का बेटा सुकेश और सुकेश की सुमाली, माली और माल्यवान, ये तीन बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने मुझसे वरदान पाकर अपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी। राक्षसराज सुकेश के पुत्र सुमाली, माली और माल्यवान की जय। सुमाली, माली और माल्यवान की जय। सुमाली, माली और माल्यवान की जय। राक्षस वीरों, हमने अपने बलशाली पुरखों का गौरव बढ़ाया है। हमने अब वो शक्ति प्राप्त कर ली है जिसको देखकर मानव तो क्या, देवता भी घबराने लगे हैं। हमने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को डरा धमका कर उससे वो अद्भुत कार्य कराया है जैसा कि आज तक किसी देवता, मनुष्य और राक्षस जाति ने नहीं किया होगा। हमने दक्षिण सिंधु के तट पर त्रिकूट पर्वत के समीप सुमेरु पर्वत के शिखर पर 30 योजन लंबी और चौड़ी एक सोने की नगरी विश्वकर्मा से बनवाई है जिसका नाम लंका नगरी है। ये लंका नगरी पूरी सोने की बनी हुई है। वहां के द्वार, परकोटे और महल स्वर्ण निर्मित हैं। ये नगरी ऐसे स्थान पर स्थित है जहां कोई शत्रु नहीं पहुंच सकता। अब हम सब राक्षस लंका नगरी में जाकर अपना निवास करेंगे। राक्षस राज सुमाली की जय। स्वर्ण नगरी लंका की जय। चलो राक्षस वीरों, राक्षस कुल की राजधानी लंका की ओर प्रयाण करो। सुमाली की राक्षस राज सुमाली की सुमाली माली माल्यवान की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की सुमाली माली माल्यवान की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की सुमाली की संताधिपति सुमाली की सुमाली माली माल्यवान की सुमाली माली माल्यवान की सुमाली माली माल्यवान की। माली और माल्यवान की संताधिपति सुमाली की राष्ट्रपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस वीरों, स्वर्ण नगरी लंका में रहकर हम अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाएंगे। अब राक्षसों का राज्य पृथ्वी और पाताल ही नहीं, स्वर्ग तक फैलेगा, स्वर्ग तक। हम देवों, मनुष्यों और विष्णु को भगवान मानने वाले देवताओं को अपनी शक्ति का स्वाद चखाएंगे। राक्षसों को सर्वशक्तिमान मानने पर उन्हें विवश कर देंगे। जो कोई हम राक्षसों को अपना भाग्य विधाता और सर्वशक्तिमान नहीं मानेगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। राक्षस राज सुमाली, माली और माल्यवान की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। लंकाधिपति राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। Ha 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 ha
इस धर्मध्वंसी राक्षस सुमाली के अत्याचारों से पूरा पृथ्वीवासी त्राही त्राही कर रहा है प्रभु। इन्हें बचाने वाला आपके सिवाय कौन है? इसलिए भगवान विष्णु आप आइए, इन राक्षसों का नाश कीजिए प्रभु, नाश कीजिए। हे वाचाल ऋषि चुप हो जा, तुम्हारा भगवान विष्णु हमारी विशाल सेना और हमारी अपार शक्ति देखकर वैकुंठ के द्वार बंद करके बैठ गया है। नहीं, निर्बल कायर। हे प्रभु, अब न तो तुम्हें तुम्हारा धर्म बचा पाएगा और न ही तुम्हें तुम्हारा भगवान। हे प्रभु, रण डाले इन सबको, जो कोई भी विष्णु का नाम पुकारे उसका भी इसी तरह अंत कर दो। हे प्रभु।